अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंसाइनमेंट अकाउंट पर सेकंड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे अगर एबनॉर्मल लॉस हो जाता है कंसाइनमेंट के केस में तो उसे हम किस तरह से कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर लिखते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस हम कहते किसे हैं? एबनॉर्मल लॉस उस लॉस को कहा जाता है जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही होती हैं, तो नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, यानी अर्थक्वेक की वजह से, आग लग जाने की वजह से, या किसी और ऐसे इंसिडेंट की वजह से अगर सामान का नुकसान हो जाता है तो उसे हमने किस तरह से कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर लिखना है, ये आज हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाकर जानेंगे। तो यहाँ है, ऑन 1 जनवरी 2018 अहमद ऑफ लाहौर कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग ₹93,000 टू बिलाल ऑफ कश्मीर, यानी 1 जनवरी 2018 को मिस्टर अहमद जो के लाहौर रहते हैं, उन्होंने कुछ सामान गुड्स कंसाइन की हैं यानी भेजी हैं, और उन गुड्स की, उस सामान की कॉस्ट है 93,000। आप किसको भेजी हैं? मिस्टर बिलाल को, जो के कश्मीर रहते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर अहमद जो गुड्स भेज रहे हैं वो कंसाइनर कहलाते हैं, और मिस्टर बिलाल जो के इनके एजेंट हैं, इन्हें कंसाइनी कहा जाता है। तो गुड्स जब भेजी जा रही हैं तो इसकी अगर हम सोचें कि हम जो जर्नल एंट्री पास करते थे वो क्या करते थे, जब गुड्स भेजी जाती हैं तो कंसाइनमेंट में, मतलब कंसाइनमेंट के थ्रू गुड्स जाती हैं, गुड्स सामान जाता है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स या इन्वेंट्री उसमें कमी आती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है जो गुड्स कंसाइनमेंट के लिए सेंड की जा रही हैं उन गुड्स की वजह से। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वजह से। अमाउंट कितनी है इन गुड्स की, हम यहाँ लिख देंगे 93,000। हमने यहाँ ऊपर रुपीज़ मेंशन किया हुआ है, जिसका मतलब है यहाँ हम जो भी अमाउंट लिखेंगे उसकी करेंसी रुपीज़ है। और यहाँ ये जो गुड्स भेजी गई हैं ये 1 जनवरी 2018 को भेजी गई हैं, तो हमने यहाँ 2018 लिखा है, और हम लोग यहाँ पर ये लिख देते हैं कि ये गुड्स 1 जनवरी को भेजी गई हैं। इसके बाद क्या हुआ, अहमद पेड इंश्योरेंस एंड अदर फॉरवर्डिंग चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹7,510। मिस्टर अहमद ने ये जो सामान भेजा है उस सामान की इंश्योरेंस भी करवाई थी, और इंश्योरेंस के लिए और इसके अलावा गुड्स को फॉरवर्ड करने के लिए, भेजने के लिए जो खर्चा किया है वो है 7,510। अब अगर कंसाइनमेंट ना होती तो ये खर्चा ना होता, ये खर्चा कंसाइनमेंट की वजह से हुआ है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से जो खर्चे होंगे उन्हें हम कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे। तो हम लोग लिख देते हैं इस खर्चे की वजह से कैश जाएगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट, ये इसकी एंट्री होती है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है किस वजह से, जो कैश पे किया जा रहा है उस कैश की वजह से, और अमाउंट कितनी है 7,510। तो ये अमाउंट हमने यहाँ लिख दी, और इसके बाद हम डेट भी लिख देते हैं जिस डेट को कंसाइनमेंट भेजी जा रही है, ये खर्चा भी उसी डेट को किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमने 1 जनवरी लिख दिया। इसके बाद है, ऑन 30 जून बिलाल वाज अलाउड ₹1,500 बीइंग द एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट। अब मिस्टर बिलाल जो कि एजेंट हैं, वो कंसाइनमेंट का काम दूसरे बंदे के बिहाफ पर सेल करने का काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट में उन्हें सेटअप की जो उनकी कॉस्ट आई है वो आई है 1500। अब ये जो कॉस्ट आई है सेटअप की, ये अगर ये काम स्टार्ट ना किया जाता तो ये कॉस्ट ना आती, तो ये कॉस्ट किसका खर्चा है, ये कॉस्ट भी कंसाइनमेंट अकाउंट का खर्च है। तो ये 30 जून को ये कॉस्ट आई है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे 30 जून। इसके बाद अब ये कॉस्ट जो इंकर कर रहा है, यानी ये कॉस्ट जो लगा रहा है, वो कौन लगा रहा है, ये कॉस्ट मिस्टर बिलाल लगा रहे हैं, अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये कंसाइनमेंट का खर्च है, तो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर बिलाल्स अकाउंट लिखा, और यहाँ पर जो भी मिस्टर बिलाल खर्चा करेंगे कंसाइनमेंट की वजह से वो लिख दिया जाएगा, क्योंकि जब मिस्टर बिलाल
गुड्स को सेल कर देंगे तो उस सेल्स में से वो अपने तमाम खर्चे और अपना कमीशन डिडक्ट करेंगे, यानी अपने पास रखेंगे, और बाकी अमाउंट मिस्टर अहमद यानी कंसाइनर को भेजेंगे। तो जो भी कंसाइनमेंट की वजह से मिस्टर बिलाल खर्चे कर रहे हैं या मिस्टर अहमद ख़ुद खर्चे कर रहे हैं, वो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखे जाएंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट का यहाँ जो खर्चा हुआ है वो हुआ है, यहाँ हम इसे यहाँ पर लिख देंगे। हम ये करते हैं कि हम सारे खर्चे पहले यहाँ इनर कॉलम में लिखेंगे जो भी मिस्टर बिलाल के अकाउंट से हुए हैं, यानी मिस्टर बिलाल ने किए हैं, और उन खर्चों को फिर हम टोटल करके जो अमाउंट का कॉलम है, यानी यहाँ पर खर्चे लिखकर अमाउंट के कॉलम में टोटल खर्चे हम लोग बी के अकाउंट से या मिस्टर बिलाल के अकाउंट से होने वाले लिख देंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस जो हमने देखा वो कितना है, वो है 1500। तो यहाँ पर हम 1500 लिख देंगे। इसके बाद क्या हुआ, 5% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल्स, यानी मिस्टर बिलाल काम कर रहे हैं मिस्टर अहमद के बिहाफ पर, तो वो काम का मुआवजा लेंगे, कमीशन लेंगे उस काम का। तो ग्रॉस सेल्स जो होंगी, यानी कंसाइन की हैं 93,000 कॉस्ट की गुड्स, इनमें से जितनी भी गुड्स सेल होंगी, सेल करने पे जो अमाउंट आएगी उसे हम ग्रॉस सेल्स कहते हैं, उसका 5% कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं जो सेल्स होंगी वो कितनी सेल्स होंगी। यहाँ पर अगर हम आएँ, 3/4 ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट ₹93,000। तो टोटल कॉस्ट जो है सारी गुड्स की वो है 93,000, और इन गुड्स का जो कि टोटल गुड्स थी उनका तीन चौथाई सामान सेल किया गया है, और वो सेल किया गया है 93,000 पर। तो ये टोटल गुड्स की कॉस्ट 93,000 है, और यहाँ पर तीन चौथाई गुड्स की सेल वैल्यू 93,000 है। तो हम इस 93,000 से कमीशन को कैलकुलेट करेंगे। तो किस तरह से हम कमीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, 93,000 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 से, 5% कमीशन है, और डिवाइड किया जाएगा 100 से। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4,650 है कमीशन। हमने यहाँ लिख दिया कमीशन 4,650। इसके बाद है यहाँ पर अगर हम देखें, एंड 3% डेल क्रेडिट कमीशन। अब ये जो कमीशन है डेल क्रेडिट कमीशन, ये कमीशन कौन सा होता है, ये जब गुड्स कंसाइन की जाती हैं, भेजी जाती हैं, और गुड्स या सेलर जो है, ये यहाँ सेल करने वाला मिस्टर बिलाल, ये भी हो सकता है कि वो गुड्स क्रेडिट पर सेल कर दें, और ये भी हो सकता है वो गुड्स कैश पर सेल की जाएं। अगर गुड्स क्रेडिट पर सेल की जाती हैं, यानी सेल तो की जा रही हैं लेकिन उसी वक्त अमाउंट वसूल ना की जाए, तो ये प्रॉबेबल है, ये हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स उन गुड्स को जो ले चुके हैं क्रेडिट पर, वो अमाउंट ना दें, जिसे हम अकाउंटिंग में बैड डेट कहते हैं। जब बैड डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर बिलाल को दे दी जाए, यानी उन्हें कह दिया जाए कि हम आपको एक फिक्स्ड 3% सेल्स का कमीशन देंगे, लेकिन कस्टमर से अमाउंट को कलेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप नहीं कलेक्ट कर पाते तो इस कमीशन के बदले जो कमीशन हम आपको दे रहे हैं 3% रेगुलर, आप वो एक्सपेंसेस जो भी बैड डेट के होंगे वो अपनी पॉकेट से देंगे, यानी अपनी पॉकेट से बियर करेंगे। तो यहाँ पर बैड डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर बिलाल को दे दी जाती है जब इस तरह का कमीशन, स्पेशल कमीशन दिया जाए। तो यहाँ पर इस कमीशन को भी हम लिख लेते हैं, सेल्स की अमाउंट है 93,000, तो 93,000 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 3 से, डिवाइड किया जाए 100 से, तो यहाँ पर जो कमीशन ये आ जाता है वो आता है डेल क्रेडिट कमीशन 2790। तो इसके बाद जो है ये एक और ख़र्चा है, बिलाल पेड ₹1500 एंड ₹2 एज लैंडिंग चार्जेस। गुड्स को उतारा है, लैंडिंग चार्जेस जो आए हैं वो मिस्टर बिलाल ने पे किए हैं 1500 एंड 2 रुपीज़, तो वो भी हमने यहाँ लिख दिए। अब मिस्टर बिलाल ने जो भी ख़र्चा किया है कंसाइनमेंट की वजह से, ये हमने यहाँ पर लिखा है, इसको अगर हम टोटल कर लें तो ये कितना ख़र्चा मिस्टर बिलाल ने किया है, तो ये आ जाता है 10,442। तो ये हमने खर्चा लिख लिया। अब हम आते हैं यहाँ पर, ऑन 30th June द पोजिशन वॉज 3/4 ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट ₹93,000, यानी टोटल गुड्स का 3/4 गुड्स सेल हुई हैं
तो हम यहाँ पर जब कंसाइनमेंट की वजह से सेल हुई है, कंसाइनमेंट के खर्चों को हम कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पर लिख रहे थे, तो अब जो सेल हुई है कंसाइनमेंट की वजह से, यहाँ पर हम लोग पहले उस सेल की डेट लिख लेंगे जिस डेट को सेल हुई है। यहाँ पर अगर हम देख, तो हमने यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट में सेल्स को, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है, सेल्स की वजह से अमाउंट आई है कंसाइनमेंट अकाउंट में और मिस्टर बिलाल ने वो सेल्स की हैं, तो यहाँ पर हमने ये मेंशन कर दिया। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कितनी सेल्स हुई हैं, 3/4 ऑफ द गुड्स सेल हुआ है, यानी जितनी गुड्स हैं उसका 3/4 सेल हुआ है और 93,000 रुपीज़ की वो सेल हुई हैं, तो यहाँ हमने 93,000 मेंशन कर दिया। इसके बाद हम यहाँ तक कर चुके हैं, इसके बाद है जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुई हैं आग से, वो हैं 1/6 ऑफ टोटल गुड्स, और फिर इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ अमाउंट दी है, और फिर जो गुड्स अनसोल्ड हैं वो ये हैं। तो उस इन तीन चीज़ों को हमने किस तरह से कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर एडजस्ट करना है, तो हम इससे नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे वो इसी की कंटिन्यूशन में होगी, उसमें हम ये जानेंगे।